नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जैसे कि हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो पॉइंट मासेस जिनके बीच का सेपरेशन r है, उनके पॉइंट मासेस जो हैं वो m1 और m2 हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और उसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम रिवाइज करें तो कुछ इस तरह से था, दो पॉइंट मासेज हैं m1 m2 और उनके बीच का सिर्फ सेपरेशन है वो r है, तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वो जो फोर्स होता है वो मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आया था, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी आपका यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक, तो उसी के एनालॉगस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक लॉ है, उसको हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ। इसमें क्या है, मान लिया आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है मान लिया स्मॉल r। तो इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो रिपल्शन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन का होगा और रिपल्शन का होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि Q1 Q2 की पोलैरिटीज़ क्या है, Q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन का फोर्स होगा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। हम यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड देखने की बात कर रहे हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जो भी फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, या चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनकी डिस्टेंस, उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या लिखेंगे हम कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या लिखेंगे, इट इज़ एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और लॉ क्या है, लॉ ये है, टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स विच इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नंबर टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो जो फोर्स आएगा, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q1 Q2 mod Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। मैग्नीट्यूड इसलिए लिया है क्योंकि Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। हमें सिर्फ फोर्स का क्या देखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमको पता है। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आ जाएगा आपका कुछ कॉन्स्टेंट K से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। K जो है उसको हम लिखते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। तो पहली बात तो ये फोर्स जो है वो तब होल्ड करता है जब आपके पॉइंट चार्जेस हों और वो रेस्ट में हों। चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस, एट रेस्ट, ठीक। अगर चार्जेस बड़े हैं, इनका साइजेस थोड़ा बड़ा है, मान लीजिए मेटल स्फीयर्स हैं, चार्ज मेटल स्फीयर्स, तो उनके बीच में हम कूलॉम्स लॉ तब लगा सकते हैं जब उनके बीच का सेपरेशन जो है r वो उनके साइज से काफ़ी बड़ा हो। तो उस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में वो चार्जेस कैसे बिहेव करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह। और चार्जेस कहाँ होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए आपके, रेस्ट में। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो कोई फोर्स लग रहा है, वो फोर्स अगर उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है
दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, वो ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, वो कोई और भी फोर्स हो सकता है, ठीक। तो जब उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग हो, अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है, तब उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो ये जो कूलम फोर्स है वो कैसा फोर्स है आपका, सेंट्रल फोर्स। तो अब जो कूलम्स लॉ हमने अभी देखा उसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं। फोर्स कितना है आपका, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ से क्लियर हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस अगर हम दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन अगर डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा, अगर सेपरेशन हाफ करेंगे तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये जो k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, तो ये आपका आता है 4πε0 अगर हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ में। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है, न्यूटन्स लॉ दो मासेस के बीच का फोर्स बताता है, लेकिन दो मासेस के बीच का जो फोर्स होता है वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि उनके बीच में ये जो इंटरवीनिंग मीडियम है, ये दोनों मासेस किस मीडियम में रखें, एयर में रखें, वैक्यूम में रखें, वाटर में रखें, किस मीडियम में रखें, ठीक। उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा कितना रहता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इसीलिए ये जो जी है इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। ये दो ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टेंस पे किसी भी मीडियम में हो, हर जगह उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सेम। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ये सिचुएशन ट्रू नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है एफ, वो कितना होता है, वो होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और ये जो के है, के ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए, इनके बीच में इंटरवीनिंग मीडियम क्या है, ठीक। तो अगर हम एयर के लिए बात करें, एयर या वैक्यूम के लिए, अगर हम एयर या वैक्यूम के लिए बात करें, तो ये जो के होता है ये क्या आता है, 1/4πε0। ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कितना आता है आपका, 1/4πε0। 4π तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये जो है एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एयर या वैक्यूम में है तो उसको हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक। किसी और मीडियम में होगा तो उसको सिंपली हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, ठीक। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या होता है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या होगी, ये हो जाएगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक, एयर और वैक्यूम की ऑलमोस्ट इक्वली होती है, इसलिए उसको हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट किसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एयर की भी वैक्यूम की भी, तो इन जनरल हम उसको हम फ्री स्पेस कह देते हैं। और ये क्या होगी, ये होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की। तो अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं एयर या वैक्यूम के लिए। तो ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसको बाद में पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आप कुछ चीज़ें इसके बारे में समझ लो। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8.85 इंटू 10⁻¹². यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आप खुद से बताओ। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के कितना है, के है आपका 1/4πε0 अगर एयर या वैक्यूम में दो चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो अगर आप एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्यू वन क्यू टू अपॉन 4π, तो कॉन्स्टेंट ही है, इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट आने वाली है वो आ जाएगी
चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट आ गई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, और इन जनरल वी कैन से इट फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा अब अगर दो चार्जेस किसी और मीडियम में रखें तो क्या होगा, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक, और इनके बीच में कुछ मीडियम है। अब एयर या वैक्यूम नहीं है, कुछ मीडियम है, ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं इस तरह से। तो अब इनके बीच के लिए बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कूलम्ब फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4π। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, अब सिंपली क्या होगा, एप्सिलॉन, क्योंकि कोई और मीडियम है। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं हम, वैक्यूम के लिए या फ्री या फिर एयर के लिए, Q1 Q2 / r². ठीक, तो ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम है, इसमें और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है, इसको ढंग से समझो, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यह है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ER अगर आप निकालोगे तो ये सिंपली हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस या वैक्यूम। उनका जो रेशियो होता है इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, इसको एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके, किसी भी मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी वो हो जाएगी उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या फिर इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, के इनटू एप्सिलॉन नॉट। के भी क्या है, के भी है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा आपका, किसी जनरल मीडियम के लिए 1/4π ε0 k इंटू Q1 Q2 / r². अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं दो चार्ज, तो सिंपली इतना होगा 1/4π ε0 k, ε0, बस k नहीं होगा, k की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी k जो है उसकी वैल्यू 1 होती है किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। थोड़ा और डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी को, किसी भी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, बेसिकली वो क्या प्रॉपर्टी होती है उस मीडियम की। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से जाता है, या पहले आप कंसेप्ट समझ लो, इसमें होता है क्या, मान लिया ये कोई मीडियम है, किसी मीडियम का ब्लॉक है, ठीक, और हम इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक, तो होगा क्या, अब इस मीडियम के अंदर क्या होगा, इसके अपने एटम्स होंगे इस तरह से। ठीक, एटम्स में क्या होता है, सेंटर में कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से। लेकिन जब ये एटम एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल है ये, तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो आपको समझना है। ये तुरंत डायपोल बन जाएगा, क्यों डायपोल क्यों बनेगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उस पर फोर्स लगेगा इस साइड में, पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज कहीं इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहीं इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो एटम था या मॉलिक्यूल था, जिस एटम का ये, जिस जिन मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर ये मीडियम बना है, वो सारे क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए, एक टर्मिनल उनका पॉजिटिव हो गया और दूसरा टर्मिनल उनका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, अब उसका होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसके अंदर जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उन पे फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरह से फोर्स लग रहे होंगे। तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे,
ये इनका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये मॉलिक्यूल्स थे जो पोलराइज हो गए, वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो वो इस तरफ रहेगा, नेगेटिव जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में तो वो इस तरफ रहेगा। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से पोलराइज हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इस सरफेस पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस नेगेटिव का क्या होगा, तो इस सरफेस पर कैसा चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस सरफेस पर कैसा चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो पोलराइजेशन था वो कितना इफेक्टिव था। ये उस एटम या मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना पोलराइज होने दे रहा है, ठीक है। तो पोलराइजेशन कितना इफेक्टिव होगा उस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा। कुछ पॉजिटिव इधर इकट्ठा हो जाएगा, कुछ इस तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक इंटरनल फील्ड भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था और अब एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर, मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इंटरनल जो है वो एक्सटर्नल के अपोजिट क्रिएट हुआ है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्सटर्नल से कम होगा। तो मटेरियल ने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी इस्टेब्लिश नहीं होने दी जितनी की वैक्यूम में होती। इसका मतलब मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। उसके ये अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल की जो अपोजिशन की जो एबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रजिस्ट कर रहा है, वही रिलेट होती है किससे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, ठीक। तो इसका स्टेटमेंट किस तरह से जाएगा, इसका स्टेटमेंट इस तरह से जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस दैट एनकाउंटर्ड व्हेन फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, उस रेजिस्टेंस का मेजर है जो कौन एनकाउंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब फॉर्म हो रहा होता है तो उसके अगेंस्ट लगता है, उसको रजिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म नहीं होने देता वो मीडियम, ठीक है। तो उसका मेजर है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। इसके नाम से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, परमिटिविटी, तो इसमें जो टर्म आया परमिट आया है, ये अलाउ करने की प्रॉपर्टी नहीं है, ये रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वर्ड जो है वो इनवर्स क्वांटिटी शो कर रहा है, इसका नाम कुछ और कहता है और एक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ और है, ठीक है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन को रजिस्ट करने की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। फ्री एयर या स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी होती है, 8.85 या 854 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। यूनिट क्या आई थी इसकी, इसकी यूनिट क्या आई थी, इसकी यूनिट आई थी कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन, ठीक। हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात की थी। रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कहते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इन सब का यूज़ बाद में होगा, अभी तो सिर्फ आपको नाम बस पता कर लेने हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। इसको जब हम बाद में यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। Now we are going to discuss Coulomb's law in vector form. तो आप पूरा जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे, मान लिया ये आपकी x एक्सिस है, ये मान लिया आपकी y एक्सिस है, और इसी तरह से बाहर की तरफ क्या होगी, z एक्सिस, ये जो होगी ये क्या होगी आपकी z एक्सिस, और दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में। मान लिया ये पॉइंट चार्ज है आपका q1 और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है q2, ठीक। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो वो है वेक्टर आर वन। क्यू टू का जो पोजिशन वैक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो है वैक्टर आर टू। ठीक, अब हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यू वन पे कितना फोर्स लग रहा है पूरा वेक्टर फॉर्म में, और क्यू टू पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी हमें फाइंड करना है। ठीक, तो आप समझो कि अगर हम इस तरह से ये लाइन बनाएं, ये जो भी वेक्टर होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों के बीच का सेपरेशन होगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे ढंग से समझना है। ठीक है, जैसे कि मान लिया हम Q2 पे फाइंड करने जा रहे हैं Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, और हम अपने स्टार्टिंग केस में ये अज्यूम करते हैं कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, बाद में फिर इस सिस्टम को हम जनरलाइज कर देंगे। अभी हम दोनों को क्या मान के चलते हैं, दोनों को पॉजिटिव चार्जेस मान के चलते हैं टू स्टार्ट विद। दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, तो Q2 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो दोनों चार्जेस, हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, तो सेंट्रल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, दोनों इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो ये दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज Q1 है एक पॉइंट चार्ज Q2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस लाइन के अलोंग ही जो लगेगा वो फोर्स लगेगा, या तो आउटवर्ड या इनवर्स, लेकिन लगेगा इस लाइन के अलोंग ही, क्योंकि कूलम्स फोर्स कैसा होता है आपका, सेंट्रल फोर्स। तो अभी हमने जो अपना केस माना है जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं, तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा इस डायरेक्शन में, और Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी लाइन के अलोंग लगेगा इस डायरेक्शन में। अभी हमारा टारगेट ये है कि हमें फोर्स फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में ऑन टू ड्यू टू वन। जब टू वन लिखा जाता है तो इसका मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, जब वन टू लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये डायरेक्शन है इसकी। ठीक, तो यानी हमें सबसे पहले ये वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा कि ये वेक्टर कौन सा होगा। तो देखो हमें ये वेक्टर फाइंड करना है, तो कोई भी जो वेक्टर होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ग्रीन कलर से, तो ये होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब आर टू वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मतलब आर वन वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होगा ये बन जाएगा आपका आर टू माइनस आर वन, वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। ठीक, अब जरा फोर्स लिखते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, सेपरेशन कितना है, तो ये है R2 माइनस R1 का मॉड। अगर हमें सिर्फ ये सेपरेशन चाहिए होगा मैग्नीट्यूड इसका, तो वो होगा R2 माइनस R1 का मॉड। तो यहाँ लिख दो आप R2 माइनस R1 का मॉड और उसका स्क्वायर। तो ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें इसको किस इसको क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है। तो किसी भी वेक्टर, किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आपको डायरेक्शन देनी है, तो आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो जिस डायरेक्शन में वो है। अब फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो कि वेक्टर R2 माइनस R1 की डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर R2 माइनस R1 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के दो फायदे होते हैं, एक तो उस फोर्स को डायरेक्शन मिल जाएगी, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा क्योंकि यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड वन होता है। जब किसी नंबर वन से आप किसी और नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो वो एज इट इज ही रहता है। तो अब हमें फाइंड करना है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर सिंपली होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस डायरेक्शन का एक वेक्टर आपके पास है क्या, R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये अब आपको पूरा एग्जैक्ट फोर्स मिल गया है वेक्टर फॉर्म में, और ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इस मॉड का क्यूब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको इसी फॉर्म में रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि यहाँ से साफ दिखता है ये क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने क्या दे दी उसको, डायरेक्शन। ठीक, अब जरा अब हम लिखें फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वन पे फोर्स टू की वजह से कितना लग रहा होगा। तो अब आपका वेक्टर कौन सा काम का, अब ये R2 माइनस R1 काम का नहीं, अब वेक्टर ये वाला आपका काम का होगा, इस तरफ वाला, ये वेक्टर अब आपको चाहिए क्योंकि Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक,
तो अब हम अपनी पिक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब हमें ये वेक्टर नहीं चाहिए, तो अब हमारे काम का ये वेक्टर है। जरा इस वेक्टर को देखें, ये वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर हमेशा क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये वेक्टर यहाँ से चालू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, तो इसकी फाइनल पोजीशन है आर वन, इनिशियल पोजीशन है आर टू, तो ये वेक्टर होगा आपका आर वन माइनस आर टू। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा के क्यू वन क्यू टू बाई मॉड आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से, ताकि इसको डायरेक्शन भी मिल जाए। आर वन टू की एफ वन टू की डायरेक्शन वही है जो कि आर वन माइनस आर टू की है। तो हम क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आर वन माइनस आर टू डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी मॉड आर वन माइनस आर टू। ठीक, मॉड आर वन माइनस आर टू लिखा हो या मॉड आर टू माइनस आर वन लिखा हो, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी इतना पार्ट जो फॉर्मूले का है वो दोनों केसेस में क्या है, सेम है, चाहे आप इसमें देखो या आप इसमें देखो। सिर्फ फर्क सिर्फ कितना हुआ है कि एक में क्या है आर टू माइनस आर वन है और एक में क्या है आर वन माइनस आर टू है। इसका मतलब एफ वन टू जो होगा वो डेफिनेटली किसके बराबर होगा, माइनस टाइम एफ टू वन के। अगर मैं एफ टू वन पे माइनस लगा दूंगा तो आपको एफ वन टू मिल जाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस जो है दोनों फॉर्मूले में, डिफरेंस जो है वो सिर्फ इसका है, एक में आर टू माइनस आर वन आया है, एक में आर वन माइनस आर टू आया है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और माइनस साइन क्या बताता है, अपोजिट, एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक क्यू वन पे लगाए तो दूसरा किस पे लगाए, क्यू टू पे लगाए, और साइमल्टेनियसली। इसमें ये नहीं बता सकते कि कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। अगर आप ये एक्शन बताओगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, अगर आप ये एक्शन बताओगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली कहने का इंपॉर्टेंट पर्पस यहाँ पे ये है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि पहले एक्शन आता है फिर उसका रिएक्शन आता है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, इसमें टाइम लैग नहीं होता है। कि आप नाम से ऐसा समझ में आता है कि पहले एक्शन हुआ होगा तब रिएक्शन आया होगा। ठीक है, कोई सा भी एक्शन हो सकता है, कोई सा भी रिएक्शन हो सकता है, साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अभी तक हमने ये देखा है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है और कैसे फाइंड करते हैं। मान लिया ये दो पॉइंट चार्ज हैं, एक है ये Q1, एक है ये चार्ज Q2, तो इनके बीच में फोर्स कैसा लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो हम कूलम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लिया Q1 की विसिनिटी में और सारे दो तीन चार्ज और आ जाते हैं, मान लिया Q3 एक चार्ज है, एक चार्ज Q4 है, ठीक, एक चार्ज ये Q5 है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए Q1 पर नेट फोर्स कितना होगा तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, Q1 पर फाइंड करेंगे नेट फोर्स Q2 की वजह से, फिर फाइंड करेंगे Q3 की वजह से, फिर फाइंड करेंगे Q4 की वजह से, फिर फाइंड करेंगे Q5 की वजह से, अलग 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 अलग। ठीक, दो दो का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स आपको बताता है। तो पहले ये दो चार्ज का कॉम्बिनेशन लेके फोर्स फाइंड करेंगे, फिर इन दो चार्ज का लेके फाइंड करेंगे, फिर इन दो चार्ज का, और फिर इन दो चार्ज का, और जितने फोर्स आपके पास आ जाएंगे Q1 पे बाकी सभी चार्जेस की वजह से, उन सब का हम वेक्टर सम कर देंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें तो Q2 की वजह से जो फोर्स, मान लिया सभी पॉजिटिव हैं, तो Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या नाम दे देते हैं इसका, F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो आपका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्या नाम दे देते हैं, F13 वेक्टर।
इसी तरह से Q4 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। F14 और मान लिया जो Q5 है मान लिया वो निगेटिव है, ये सारे पॉजिटिव थे, Q5 निगेटिव था, Q5 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो आपका वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा क्योंकि Q5 निगेटिव है, बाकी सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, ये Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q1 Q5 आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका नाम दे देते हैं F15। ठीक, तो ये मैंने Q1 पे बाकी सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहे थे वो दिखा लिए। अब जो Q1 पे नेट फोर्स लगने वाला है F1 नेट, वो सिंपली क्या होगा, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, Q12 वेक्टर Q12 प्लस वेक्टर सॉरी वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15, इन सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम कर देंगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले पार्ट में रह गई थी, जब हमने फाइंड किया था कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, हमने कैसे बनाया था जरा रिवाइज करते हैं। एक चार्ज था जिसका पोजीशन वेक्टर R1 था, दूसरा चार्ज था जिसका पोजीशन वेक्टर R2 था, इस तरह से ये था चार्ज जिसका नाम था Q1, ये था चार्ज जिसका नाम था Q2, ये पोजीशन वेक्टर था R1 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर था R2। हमें फाइंड करना था Q1 Q2 के बीच में फोर्स। ठीक, तो जब हमने F21 फाइंड किया था, 2 पे फोर्स फाइंड किया था 1 की वजह से, तो क्या आया था मैग्नीट्यूड, क्या आया था के Q1 Q2 बाई मॉड R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इनटू, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने ये कहा था स्टार्टिंग में कि दोनों चार्ज हम क्या मान के चलते हैं पॉजिटिव, जब पॉजिटिव मान के चलते हैं तो ये रिपेल करेंगे, यानी डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ होगी, ये डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन कहलाएंगे जो कि ये वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये, तो किसी भी वेक्टर को फाइंड करते हैं तो फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, तो ये होगा R2 माइनस R1, तो ये जो वेक्टर था है वो है R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों चार्ज हमने क्या माने थे पॉजिटिव, फोर्स किसका होगा रिपल्शन का, अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया आपका पूरा यूनिट वेक्टर। ठीक, अब जरा इसमें ये देखते हैं कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव ना हो गए, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो क्या हमें फोर्स का फॉर्मूला दोबारा से लिखना पड़ेगा कि इसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो मान लिया अब एक ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज क्या है नेगेटिव, तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा फोर्स की डायरेक्शन तुरंत बदल के ये हो जाएगी, यानी अब जो डायरेक्शन फोर्स की होगी अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो अब जो डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर के अलोंग होगी, और ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये जो वेक्टर होगा वो होगा R1 माइनस R2। तो अभी देखते हैं कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है तो क्या हमें कोई दूसरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहां आप देखो, अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है तो जब आप उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो एक माइनस आ जाएगा, और इस माइनस को जब आप अंदर लेके जाओगे तो R2 माइनस R1 की जगह क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। तो ये जो फॉर्मूला है वो अपने हिसाब से चार्जेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला किसी भी चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए चलेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी चलेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी चलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी यही फॉर्मूला चलेगा। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट इलस्ट्रेशन। इसमें क्या है, तीन पॉइंट चार्जेस हैं, तीनों के चार्ज आप क्यू मान लेते हैं, क्यू ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, और ये तीनों पॉइंट चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या मान लेते हैं, ए। अब आपसे पूछा गया है इसमें कि किसी एक चार्ज पे, मान लिया ये चार्ज कंसीडर करते हैं, इस चार्ज पे बाकी दो चार्जेस की वजह से कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबसे पहले इस चार्ज पे लगाएंगे फोर्स इस चार्ज की वजह से, फिर इस चार्ज पे फोर्स फाइंड करेंगे इस चार्ज की वजह से, और दोनों का क्या कर देंगे वेक्टर सम। ठीक, तो
तीनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस पे फोर्स ऑफ कैसा क्या लगता है? रिपल्शन। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा। ये इस क्यू पे है इस क्यू की वजह से। अब जरा इस क्यू की वजह से कितना लगेगा? तो ये भी लाइक चार्जेस हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होगा? वेक्टर सम के लिए आपको क्या चाहिए होता है? दोनों फोर्सेस के दो, अगर दो फोर्सेस हैं तो उनके बीच का आपको एंगल चाहिए होता है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। ठीक, अब जरा ये जो दो फोर्सेज लग रहे हैं इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ, इसमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। वो किस पे डिपेंड करता है? वो जो दो चार्ज अंडर कंसिडरेशन है उनके प्रोडक्ट पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। के तो आपका कांस्टेंट है। तो जब आप इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालोगे तो ये दोनों चार्जेस क्या हैं? क्यू और क्यू, तो ऊपर क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी है? ए, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच में? तो वो जो फोर्स होगा वो सिंपली होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यानी ये जो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसी तरह से इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो चार्ज क्यू क्यू है, डिस्टेंस ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। अब हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट, नेट वेक्टर फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी वेक्टर के? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो सिंपली होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या मान लेते हैं? एफ। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा आपका? एफ। तो ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ एफ, यानी टू एफ स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ, ये हाफ से ये टू कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल ये हो गया 3f स्क्वायर। और रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इसका हमें क्या करना पड़ता है? अंडर रूट। तो इस पूरे का क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। जब आप अंडर रूट लोगे तो नेट फोर्स कितना आ गया? रूट 3 times f। और वो नेट फोर्स लगेगा कहाँ? एग्जैक्टली मिड में। जब दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है? एग्जैक्टली मिड से पास करता है। तो इस क्यू पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा नेट फोर्स। ठीक, वो किसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट 3f। क्लियर? ठीक, एक शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो रिजल्टेंट फाइंड करने का। अगर दो इक्वल वैक्टर्स है, ढंग से समझना, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है ए और ए, और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट एक बात तो साफ है कि एग्जैक्टली मिड से पास करेगा। और वो होता कितना है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो 2a cos θ/2, 2a cos θ/2। तो अगर ये फॉर्मूला हम अपने केस में अप्लाई करें यहां पर, तो एफ नेट कितना होना चाहिए? डायरेक्ट 2f cos θ/2। cos थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो cos थीटा बाई टू यानी cos 30, और cos 30 होता है आपका रूट 3/2, तो ये कितना आ जाएगा? डायरेक्ट रूट 3f। क्लियर? तो जो नेट फोर्स आ रहा है वो आपका आ रहा है रूट 3 times f, और f कितना था? f था k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा इस क्यू चार्ज पे। तो अगर पूछा जाए इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? ऊपर वाले की वजह से लगेगा इस तरफ, इस वाले की वजह से लगेगा इस तरफ, दोनों बराबर होंगी तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड से पास करेगा, और वो कितना होगा? रूट 3f। इसी तरह से इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस चार्ज की वजह से रिपल्शन का फोर्स होगा इस तरफ, इस चार्ज की वजह से रिपल्शन का फोर्स होगा इस तरफ, और उनका रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली मिड से, और वो भी कितना होगा? रूट 3f। क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इन दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है,
तो इस पे नेट फोर्स कितना लगा था, रूट थ्री एफ। इस पे नेट फोर्स कितना लगा था, रूट थ्री एफ। तो इन दोनों चार्जेस पे जब नेट फोर्स पूछा जाएगा तो इन दोनों रूट थ्री एफ का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। ठीक, तो आप कैसे करोगे इसको, तो एक ही पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ कर लें तो आप ढंग से देखना, ये रूट थ्री एफ इस पे लग रहा है इस तरफ, हम इस पूरे सिस्टम पे फाइंड कर रहे हैं, ये नीचे वाले दोनों चार्जेस को मिला के हमने एक सिस्टम बनाया, इस पे हम नेट फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये है आपका रूट थ्री एफ, और इस पर भी इस तरफ लग रहा है रूट थ्री एफ। जरा इन दोनों रूट थ्री एफ के बीच में एंगल कितना है, तो ढंग से देखो आप जरा इसको, ये एंगल 30 डिग्री है, इसी तरह से ये वाला एंगल भी कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, अब आप मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना था टोटल, 60 डिग्री। ठीक, और ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इसके अगेंस्ट है, इस साइड के अगेंस्ट है इस तरह से। ठीक, तो ये आपका 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से ये कितना इस तरफ लग रहा है, 150 डिग्री। ठीक, और ये भी इस तरफ कितना लग रहा है, 150 डिग्री। हम जरा वर्टिकल से निकालने की कोशिश करते हैं, वर्टिकल से कितना लग रहा होगा इस तरह से, ये वर्टिकल लाइन बनाई यहां पे, और यहां पे भी हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल से जरा फाइंड करने की कोशिश करते हैं कितना एंगल लग रहा होगा। तो इस वर्टिकल लाइन को अगर हम ऊपर भी लेके जाएं इस तरह से, तो ढंग से समझना ये एंगल कितना होगा, दूसरा कलर बदल लेते हैं ताकि क्लियर हो आपको थोड़ा सा, ये एंगल कितना होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि टोटल होता है 90, ये हो गया 60, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक, तो ये वाला दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं इसको, ताकि एकदम साफ हो आपको ये। अब आप देखो इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे थे, एक तो फोर्स लग रहा था इस लाइन के अलोंग इस तरफ, एक फोर्स लग रहा था इस लाइन के अलोंग इस तरफ। इसी तरह से इस चार्ज पे भी दो फोर्स लग रहे थे, एक तो लग रहा था इस लाइन के अलोंग और एक फोर्स लग रहा था इस लाइन के अलोंग। ठीक, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आया था वो एग्जैक्टली इनके मिड में लग रहा था इस तरफ, इस तरह से, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था वो एग्जैक्टली इनके मिड में लग रहा था इस तरह से। हम क्वेश्चन में क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चार्ज ये है क्यू, एक चार्ज ये है क्यू, हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम पे, ये नीचे वाले दोनों चार्जेस को मिला के अगर हम सिस्टम बनाए तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है और किधर लग रहा है, तो वो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो फोर्स आया था रूट थ्री एफ, ये वर्टिकल से कितने एंगल पे लग रहा है, वर्टिकल से एंगल हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से, और जो इसका वर्टिकल से एंगल होगा वही इसका वर्टिकल से एंगल होगा। जरा देखते हैं, ये एंगल कितना था आपका 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना था 30 डिग्री, एग्जैक्टली मिड से पास करता है रिजल्टेंट फोर्स, टोटल 60 था तो हाफ 30 और 30 इधर हो गया था, यानी इस फोर्स का वर्टिकल से कितना एंगल है 60 डिग्री, इसका मतलब इस फोर्स का भी वर्टिकल से कितना एंगल होगा 60 डिग्री। तो अगर हम नेट फोर्स बनाने की कोशिश करें तो ये इस तरफ लग रहा है वर्टिकल से 60 डिग्री, ये वर्टिकल लाइन होगी, और ये इस तरफ लग रहा है वर्टिकल से 60 डिग्री, कितने हैं ये रूट थ्री एफ, और ये भी कितना है रूट थ्री एफ, और हम नेट फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया टोटल 120 डिग्री। और अभी हमने एक कंसेप्ट देखा था कि अगर दो इक्वल फोर्सेस होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड और उनके बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड से पास करता है और वो कितना होता है 2a cos थीटा / 2। जरा इनका रिजल्टेंट पाथ देखें तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड से पास करेगा पहली बात, और कितना होगा 2 टाइम्स रूट 3f टाइम्स cos थीटा / 2, थीटा है 120 डिग्री, थीटा / 2 करेंगे 60 डिग्री, यानी cos 60। cos 60 कितना होता है आपका, cos 60 होता है आपका हाफ, तो ये कितना आ गया, ये आ गया रूट 3f, यानी इन दोनों का अगर हम सिस्टम माने तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट 3f।
अब आप मुझे ये बताओ, इतनी सी बात फाइंड करने के लिए इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी? ये तो आप ऐसे भी बता सकते थे डायरेक्ट। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा था, तो इस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स आया था ऊपर की तरफ कितना, रूट थ्री एफ, ठीक। और इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा था वो किसने लगाया था, वो इस सिस्टम ने लगाया था, इस नीचे वाले सिस्टम ने। इस क्यू और क्यू को मिला के अगर हम पूरा सिस्टम माने तो इस नीचे वाले सिस्टम ने इस ऊपर वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगाया था, रूट थ्री एफ। तो अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर एफ फोर्स लगाता है तो दूसरा सिस्टम पहले सिस्टम पर माइनस एफ फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। तो इस नीचे वाले पूरे सिस्टम ने ऊपर वाले चार्ज पर रूट थ्री एफ ऊपर लगाया, तो ऊपर वाला चार्ज इस पूरे नीचे वाले सिस्टम पर रूट थ्री एफ कहाँ लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा। तो अगर आप इतना कॉमन सेंस समझते हो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते थे कितना, रूट थ्री एफ। इसके लिए इतने फैक्टर्स रिजोल्व करना, एंगल फाइंड करना, फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड करना और फिर रूट थ्री एफ तक पहुंचना कोई सेंस नहीं है। क्लियर? अब एक वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, एक कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स देखते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए पॉइंट चार्ज। तो एक तो आपका पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो अभी हमने सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिया है, वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एक रॉड है। रॉड पे टोटल चार्ज मान लिया क्यू है, कैपिटल क्यू, और इसकी लेंथ है एल, और इसका ये जो एंड है ये इस पॉइंट चार्ज से ए डिस्टेंस पे है मान लिया। अब आपसे पूछा गया इस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पॉइंट चार्ज पे इस रॉड की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इस एंड से चलना शुरू करते हैं मान लिया, और यहां से हम आएंगे एक्स डिस्टेंस पे, और एक्स डिस्टेंस पे आके हम एक छोटा सा रॉड का एलिमेंट कट करेंगे जिसकी विड्थ क्या होगी, डी एक्स, और जिस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू कह देते हैं। अभी डी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस डी क्यू की वजह से ये चार्ज कह देते हैं क्यू नॉट। इस चार्ज क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा वो पहले हम फाइंड करेंगे, और फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, जितने डी क्यू इस रॉड में होंगे उन सब की वजह से जितना फोर्स लगेगा वो सारे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एडिशन कैसा होगा, वेक्टर एडिशन, और उससे हम इस क्यू नॉट चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो अब आप देखो इसको, सबसे पहले डी क्यू फाइंड करते हैं। तो L लेंथ पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, कैपिटल Q बाई L, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो वो हो जाएगा कैपिटल Q बाई L इंटू डी एक्स, ठीक। जब Q चार्ज L लेंथ पे है तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको अक्सर हम लैम्डा से लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो कितनी होगी, Q बाई L, और चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू इट्स लेंथ, लेंथ है इसकी डी एक्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा यानी क्यू बाई एल, तो सिंपली क्या हो गया, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक। इस डी क्यू की वजह से क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा, उसको हम कह देते हैं डी एफ, स्मॉल चार्ज स्मॉल फोर्स। तो के पहला चार्ज कितना है, क्यू नॉट, दूसरा चार्ज कितना है, डी क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी बची है, तो ये है आपकी ए, ये टोटल थी एल, ये एक्स है, तो ये होगी आपकी, ये डिस्टेंस होगी एल माइनस एक्स, तो टोटल डिस्टेंस होगी एल माइनस एक्स प्लस ए, तो ये आपकी हो जाएगी एल प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डी क्यू की अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसमें, यहां पे ये डी क्यू है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो कितनी है, वो है आपकी q बाई एल इंटू डी एक्स, तो q ये है, l यहां आ गया इंटू डी एक्स, ठीक। अब देखो आप, अब आपको टोटल फोर्स निकालना है तो क्या डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, नहीं नहीं पहले देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो सिंपली डायरेक्ट एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन नहीं होता है। इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है, एडिशन होता है, स्केलर एडिशन होता है, सिंपली 1 + 2 + 3 इस तरह से होता है, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, वो वेक्टर एडिशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा इंटीग्रेट करने से पहले, देखो इस डी क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा डी एफ, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक। अभी हम दोनों को क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक।
अब आप इसमें कोई भी डी क्यू एलिमेंट लो, हमें सारे डी क्यू एलिमेंट्स की वजह से फोर्स निकालना है और फिर उनका वेक्टर एडिशन करना है। तो आप यहाँ पे कितने भी डी क्यू एलिमेंट लोगे, सभी डी क्यू एलिमेंट्स की वजह से जो फोर्स होगा डी एफ, वो सबका इसी डायरेक्शन में होगा, सारे डी एफ इसी डायरेक्शन में आएंगे। और जब सारे वैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो नेट सम होता है वो वैसे ही ऐड हो जाते हैं जैसे कि स्केलर से ऐड हो जाते हैं। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स का सम होगा। उनके जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो सिंपली उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये स्पेशल सिचुएशन बनी है जिस केस में जितने भी डी एफ फोर्सेज आ रहे हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप सिंपली उनको स्केलर्स की तरह उठा के ऐड कर सकते हो, सिंपली ए प्लस वी। तो इसीलिए अब हम नेट फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर सभी डी एफ की डायरेक्शन अलग अलग होती तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्स्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं। के क्यू नॉट कैपिटल क्यू बाई एल, और इंटीग्रेशन में सिंपली क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एल प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ पड़ेंगी, तो रॉड आपकी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आई है, तो एक्स आपका जीरो से लेकर एल तक होगा, एल से आगे रॉड नहीं है। ठीक है, तो एक्स की लिमिट कहाँ पड़ेंगी, जीरो से लेकर एल तक, तो जीरो टू एल, ये आ जाएगा आपका फोर्स। इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो ये है, इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका, इस पूरे को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस ए माइनस एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, लिमिट जीरो टू एल। तो एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका एक्स टू पावर एन डी एक्स, एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, सिंपल। तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका एल प्लस ए माइनस एक्स की पावर है माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, उसके साथ में जो x का कोफिशियंट होता है उससे और इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पे x का कोफिशियंट है माइनस वन, तो इसमें माइनस वन से हम और डिवाइड कर देंगे, लिमिट्स जीरो टू l। नीचे कितना आ जाएगा, ये माइनस वन और ये माइनस वन, नीचे तो प्लस वन आ जाएगा, बस लिमिट्स पुट कर देनी। तो जब आप l पुट करोगे लिमिट इसमें, तो इस एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए की पावर माइनस वन माइनस, जब आप जीरो पुट करोगे तो ये आ जाएगा एल प्लस ए की पावर माइनस वन, तो ये आ गया आपका वन बाई ए माइनस वन बाई एल प्लस ए। एलसीएम ले लें फटाफट, ए टाइम्स एल प्लस ए एलसीएम आ जाएगा, एल प्लस ए माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया एल अपॉन ए टाइम्स एल प्लस ए। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो नेट फोर्स जो आ रहा है उस क्यू नॉट चार्ज पे ड्यू टू कैपिटल क्यू, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू बाई एल इंटू एल अपॉन ए टाइम्स एल प्लस ए। तो इस एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया और सिंप्लीफाइड हमें एक फॉर्मूला मिल गया, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू अपॉन ए टाइम्स एल प्लस ए, एक सिंपल एक्सप्रेशन मिल गया। तो इतना फोर्स जो होगा वो लग रहा होगा उस स्मॉल कैपिटल क्यू चार्ज पे। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि इस रॉड पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस क्यू नॉट की वजह से इस रॉड पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये जो रॉड है इस रॉड पे कितना फोर्स लग रहा होगा उस स्मॉल चार्ज क्यू नॉट की वजह से, तो न्यूटन थर्ड लो, जितना रॉड ने इस पॉइंट चार्ज पे लगाया होगा उतना ही पॉइंट चार्ज ने इस रॉड पे लगाया होगा, तो इस रॉड पे भी कितना फोर्स लग रहा होगा, वही फोर्स एफ, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू अपॉन ए टाइम्स एल प्लस ए। क्लियर? अब एक वो सिचुएशन देखते हैं, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ देखते हैं, जिसमें ये जो फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं होगा। जैसे कि अगर इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, मॉडिफाई हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं, ये मान लिया रॉड है आपकी चार्ज्ड रॉड, और जो पॉइंट चार्ज है
वो इस कॉर्नर में यहां पे ना रख के कहीं यहां रखा हुआ है हमने, और अब इस पे आपको नेट फोर्स बताना है। ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं ए, रॉड की लेंथ टोटल है 2L कह देते हैं इस बार, और चार्ज कितना है, चार्ज है वही कैपिटल क्यू, ये चार्ज वही है स्मॉल क्यू नॉट। अब जरा फाइंड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से एक्स डिस्टेंस पे आएंगे सेंटर से, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आएंगे, और एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कट करेंगे यहां से कितनी विड्थ होगी उसकी dx, उस पर चार्ज कितना होगा dq, dq कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, dq इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी q बाई 2l, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगी इनटू इट्स लेंथ यानी dx, और इस dq की वजह से कितना फोर्स लगेगा इस q नॉट पे, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा नाम दे देते हैं उसको df, df होगा कितना, तो उसके लिए पहले आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले आप df लिखो कितना होगा, df होगा k q1 है q नॉट, q2 कितना है dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो गया नेट फोर्स, सॉरी इस डी क्यू चार्ज की वजह से नेट फोर्स हो गया इस पर, ठीक। अगर आपको सारे डी क्यू की वजह से नेट फोर्स फाइंड करना है, इस पूरी रॉड की वजह से नेट फोर्स फाइंड करना है, तो अब मुझे बताओ कि ये जितने भी अगर मैं डी क्यू लूँ तो क्या इन सब की वजह से फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जो इधर चार्जेस होंगे उनकी वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, जो इधर होगा उसकी वजह से और इधर लगेगा, जो यहाँ आएगा उसकी वजह से इधर लगेगा, ठीक है, तो इन सब की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो अब उनका आप डायरेक्ट इसको आप सोचो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके रिजल्ट आ जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन हुआ ही नहीं, ठीक, इंटीग्रेशन सिंपली डायरेक्ट स्केलर एडिशन करता है, हमें चाहिए वेक्टर एडिशन, तो अब इसको कैसे करेंगे, कैसे हम इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस df के दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर रहे हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कैसे करेंगे तो इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया df cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो गया df sin थीटा, ठीक। अब लॉजिक ये है कि जैसे आप इधर x डिस्टेंस पे आए, वैसे ही आप अगर इस तरफ x डिस्टेंस पे जाओगे और एग्जैक्टली सिमेट्रिक df dq एलिमेंट कट करोगे यहां पे भी, तो इसकी वजह से जो इस dq की वजह से जो फोर्स लगेगा df वो इस डायरेक्शन में लगेगा इस तरह से, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस तरह से और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस तरह से, ठीक। तो आर्गुमेंट यहां पे ये है कि जैसे df इधर था वैसे ही एक df इधर आएगा, एग्जैक्टली उतना ही, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है, सिमेट्रिक है सिचुएशन एकदम, तो उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ df cos थीटा, नीचे की तरफ क्या होगा df sin थीटा, तो ऊपर की तरफ इसका भी df cos थीटा, इसका भी df cos थीटा, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ढंग से समझना, जब वेक्टर दो एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है एड अप हो जाते हैं, ठीक, और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ये दोनों हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर है, यानी फाइनली df का कौन सा कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है, तो अब आप जितने भी dq एलिमेंट्स लोगे उन सब का कौन सा कंपोनेंट ऐड करते रहोगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड करते जाओगे, अब वो सारे वर्टिकल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम वहां पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है df cos थीटा, तो f नेट अगर आप लिखोगे उस पे तो हो जाना चाहिए df cos थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट्स लिमिट्स आपकी x यहां से शुरू किया था तो लिमिट जाएगी माइनस एल से प्लस एल, क्योंकि x हमने यहां से शुरू किया था, तो जब इस तरफ मूव करोगे तो x निगेटिव हो जाएगा, जब इस तरफ मूव करोगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिमिट्स आएंगी माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, ठीक। cos थीटा कितना होगा, तो जरा इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा अगर हम लिखें,
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे, कर ही लेते हैं, माइनस एल से प्लस एल, डी एफ कितना है के क्यू नॉट इंटू डी क्यू, डी क्यू कितना आया था क्यू बाई टू एल इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, कॉस थीटा भी कितना आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें जो जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू ए बाई टू एल, अंदर सिर्फ क्या बच रहा है डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू इंटू लिमिट आपकी माइनस एल से प्लस एल। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे और आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए इस क्यू नॉट की वजह से इस रॉड पे कितना फोर्स लगेगा, तो जितना रॉड ने क्यू पे लगाया क्यू नॉट पे लगाया वो उतना ही क्यू नॉट ने रॉड पे लगाया वो, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, तो आपको समझ में आएगा कि जो वेरिएबल चार्ज या ऐसे कहो आप इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर फोर्स फाइंड करना हो तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन इंटीग्रेशन स्केलर एडिशन होता है, और जब आप नेट फोर्स फाइंड करोगे तो वो वेक्टर सम होगा, तो वेक्टर सम करने के लिए हम स्केलर एडिशन को यूज कर रहे हैं, तो आपको कॉशियस होकर करना पड़ेगा इसको। ठीक।